अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? मैं हूँ आपका अब्बास अल्लाह वाला। तो बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि अब्बास भाई एक हमें शिकंजा भेजो, हम खुद बनवा लेंगे। तो भाई आप एक शिकंजा मेरे से नहीं लो, आप ये वीडियो देखो, गौर से देखो, तो आप खुद अपने शिकंजे अपने घर में ही बना लो। तो इसमें जो है पौने इंच वाली जो है अपना पट्टी चाहिए, एंगल पट्टी चाहिए। ये मैं आपको माप के दिखाता हूँ कि ये पट्टी होती कितनी है। तो ये देखें, हम पट्टी को माप रहे हैं, तो आप ख़ुद बना लें। ये 19 इंच है, ठीक है ना, 10 इंच वो, 9 इंच ये, तो ये 19 इंच की पट्टी है। आप इसको 20 इंच भी कर सकते हो। ये देखें, 9 इंच ये और 10 पीछे वाले। तो ये है 19 इंच की पट्टी, 19 इंच की पट्टी जो है पौने वाली, वन सूत वाली। इसको आप ब्रेक शू जैसे होता है, पीछे बैंड आगे दोनों साइडों से ब्रेक शू की तरह इसको बैंड कराएं। तो फिर माप के देखते हैं, आपको सही तरह जैसे समझ आ जाए। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि एक मुझे भेजो, आप पैसे ले लो, फिर मैं अपने बनाऊंगा। भाई आप मेरे से एक नहीं लो, मैं एक भेज नहीं सकता, आप एक मंगवा नहीं सकते। तो शिकंजे आप अपने इलाके से बनवा लें। तो उसके लिए ये गुड़का जो है, इसकी मैं आपको बताता चलूँ, ये 3.25 इंच है। तो ये 0.5 इंच वाला पैप है, जो पानी वाला पैप होता है, गैस वाला पैप होता है, 1.25 इंच का आप ये कर लें। तो आपको मैं बताता चलता हूँ, आप ख़ुद भी। अच्छा, ये 3 सूत है, इसमें जो है 3 सूत का अंदर जो है ये ले, तो आप मशीन वाले को दोगे ना तो आपको ये बना के देगा। ये भी अपना बोल्ट जो है, ये भी 3.25 इंच है। आप जितना मोटा करें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ब्रेक शू में इसकी झरी जो है अंदर आ जाए, ये आपको एहतियात करना है। तो शिकंजे में डाल के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको कैसे जो है अपना प्रेस किया जाता है। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा गौर से देखें, आप ख़ुद बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये ऐसे बाड़ियाँ पड़ी हैं, खाली बाड़ियाँ पड़ी हैं, तो इसमें अपना ग्लू वगैरह नहीं लगा हुआ। आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको बोल्ट को लगाना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप वह आसानी से खुद इसको बना के आप इसमें शिकंजे में डाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो, अपना ब्रेक शू बनाने वाली वीडियो आपने नहीं देखी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, अब्बास अल्लाह वाला लिखें, उसमें प्ले लिस्ट में जो है अपना जाएं, तो मेरा पूरा कोर्स पड़ा है। वो कोर्स देख के आप बआसानी से आप सीख सकते हो कि कैसे ब्रेक शू बनता है। ये देखें, ये पोक्सी है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई इसको ग्लू कौन सा लगाएं? भाई ये पोक्सी है, आपके इलाके में मिल जाएगी। ये देखें, झरी ऐसे लगानी है जैसे ब्रेक शू में अंदर चली जाए, ये बोल्ट को भी ऐसे और उसको पैप को भी ऐसे। तो अपोक्सी के बारे में बता रहा था, आपके इलाके में जो फर्नीचर जहाँ पे मिलते हैं, जिसको हार्डवेयर शॉप बोलते हैं, उसको कहें कि भाई मुझे अपोक्सी चाहिए। तो दूसरे जो लिक्विड होते हैं उसको गर्म करना पड़ता है, अपना जो है गर्म करके फिर हीट देनी पड़ती है, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम है। आसानी से आप अपोक्सी लेके आप ब्रेक शू बना सकते हो। तो ये देखें, उसमें झरी में आ गया ब्रेक शू, दूसरी झरी में इधर से भी आ गया। तो इसको टाइट करना है, फुल टाइट करना है इसको, जितना आपको ज़ोर लगे। आप हाथ की मदद से अगर नहीं कर सकते, तो आप पाने वगैरह की मदद से इसको फुल टाइट करके प्रेस करके इसको रखना है। अभी तो इसमें गिल्लू नहीं लगी हुई है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए डेमो एक बनाया गया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ब्रेक शू शिकंजा कैसे होता है और उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो आप बआसानी, कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। परसों एक दोस्त मुझे मैसेज कर रहा था कि भाई एक शिकंजा मुझे भेजो, तो ख़ास करके मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई एक शिकंजा मेरे से नहीं लो, अब मैं ना भेज सकूँगा ना आप ले सकोगे। तो आप अपने शिकंजे बना लें, कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे ही इसको हाथों की मदद से टाइट किया है, फिर भी ये प्रेस हो गया है, मगर इसको प्रेस अपना जो है पाने की मदद से करना है। तो ये एहतियात की छोटी वीडियो आपको समझाना था। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आपका गुलाम अब्बास, दुआ में याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।